और इस ट्रिक के बाद तुम लोगों ने आखिरी वीडियो देख लेनी है और इसी के साथ तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो रुको जरा, सबर करो। तो ऑर्लैंडो के चला चुके एक और नई वीडियो के साथ वापस से, और आज की इस वीडियो में यार एडिटर ते को मैंने बोला था कि भाई मत किया कर यार। अब यार मैं बता रहा था कि 5BC की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। अब मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ लेकिन भाई उस वीडियो का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई अब तो ऐड भी नहीं देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो हम क्या ही करेंगे। तो ये जायज़ भी है, ठीक है। मैंने पुराने फ़ोन पर चेक किया तो वो प्रॉब्लम सच में आ रही है गाइस। तो मतलब जो जिनका हो रहा है ठीक है, उनका तो ठीक है, लेकिन जिनका नहीं हो रहा है तो उसको तो तुम लोग यार वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, ठीक है। बहुत कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। 3-4 टिप्स बताने वाला हूँ, उनमें मतलब सब में से एक में तो हो ही जाएगा और आप 5BC कलेक्ट कर पाओगे। तो पहले तो क्या करना है भाई, सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, चैनल को सब्सक्राइब बनता है भाई, बनता है, इतनी मदद कर रहा हूँ तो बनता है, ठीक है। और इसके बाद यार लाइक भी बनता है, वो तुम्हारी मर्जी है लेकिन बनता है, ठीक है। और शेयर भी कर देना यार, सब्सक्राइब तो पक्का कर देना, साथ में यार देखो वीडियो फुल देखना, और जो लास्ट वाली टिप्स है ना जबरदस्त है, वो देखना मत भूलना, ठीक है। तो पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो लेट्स गो लॉन्डो। सबसे पहले तो दिखा दूं कि देखो मेरे ऐड चालू हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। देखो, और सीधे सीधे मैं बता दूं कि भाई मेरे स्मार्टफोन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मेरे पास दूसरा एक स्मार्टफोन है जो कि अभी मैं दिखा तो नहीं रहा हूं, लेकिन फिलहाल के लिए बता देता हूं कि भाई उसमें मेरी प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये टैप टैप कर रहा हूं, अब देखो अनेबल टू वॉच वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ ट्राई करना है। मतलब कि यार अनेबल करना है किसी चीज़ को और वॉच वीडियो का ऑप्शन अनेबल, ये सीन कुछ नहीं है, ये ग्लिच है पबजी लाइट का बहुत बड़ा, जो कि भाई बिग हो चुका है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं, टिप्स के साथ साथ बता देता हूं। तो चलो दिखाता हूं कि यार भाई पहली टिप्स क्या है। टिप्स नंबर 1 है कॉन्फिग आईपैड व्यू, ठीक है। आईपैड व्यू क्या करता है पहले मैं बता दूं, देखो आपके फ़ोन को अल्टा बना देता है, यानी कि यार स्मूथ कर देता है, और जैसे तुम्हारा लैग करता है ना, वो लैग भी नहीं होता है, तो उसके कारण से मतलब तुम लोग का फ़ोन मतलब डेवलप हो जाता है, तो उस वजह से तुम्हारा ये चांस है कि भाई तुम्हारा ऐड चालू हो जाए। तो सबसे पहले यूट्यूब पे आईपैड व्यू की वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं इस वाले वीडियो में नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि भाई तुम्हें पता है सिक्योरिटी रीजन के कारण और चैनल डिलीट भी हो सकता है, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। तो यूट्यूब पे आईपैड व्यू का देख लेना, कॉन्फिग कैसे लगाते हैं वो करके आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, ये कोई हैक नहीं है, ठीक है, आईपैड व्यू सिर्फ कॉन्फिग है, कॉन्फिग से आईडी बैन का कोई खतरा नहीं है, ठीक है, दिक्कत ना लेना। टिप्स नंबर 2, GFX टूल। इस टिप्स को जरूर अपनाना, ठीक है। GFX टूल प्ले स्टोर से सबसे पहले तुम लोगों ने डाउनलोड करना पड़ेगा, देखो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और उसी के बाद तुम लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वही वाला इंस्टॉल करना है। सबसे पहले देखो ये वाला, हाँ यही वाला, इसको इंस्टॉल कर लेना है और ओपन करते देखो लाइट वर्जन पे क्लिक करना है, और जो जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ ना उन सेटिंग को अप्लाई कर देना है, ठीक है। और हाँ, इससे तुम्हारी सेटिंग्स सेंसिटिविटी वगैरह सब कुछ मतलब चेंज हो सकती है, और कंट्रोल्स नहीं होंगे, देखो कंट्रोल्स के लिए नीचे अनेबल कर देना और ये सेटिंग जरूर अप्लाई कर लेना, ठीक है। और उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करना, रन करना, वो मैं आगे बता रहा हूँ, एक सेकंड, ये हो गया। अब देखो सेव कंट्रोल का लास्ट में होगा, उसको एनेबल कर देना है, क्योंकि भाई तुम्हारे कंट्रोल जो होंगे वो नहीं जाएंगे, ठीक है, सेंसिटिविटी वगैरह सब चले जाएगी लेकिन कंट्रोल वैसे ही रहेंगे, तो मतलब सोच समझ के करना इसको, ठीक है, और याद कर लेना सेंसिटिविटी वगैरह, और एक्सेप्ट के क्लिक करके रन गेम कर लेना है और उसको ट्राई करना है, मतलब बीसी कलेक्ट हो रही है या नहीं, ठीक है। टिप्स नंबर 3 से पहले बोलना चाहूँगा कि हैप्पी दिवाली, ठीक है, और मैं पहले नहीं बोल पाया, सॉरी, हैप्पी दिवाली, ठीक है। अब देखो टिप्स नंबर 3 क्या है, आप इन लोगों को मेल कर सकते हो, देखो नीचे दिख रहा होगा, मेल के ऑप्शन पे क्लिक करना, इधर पे चैट पे क्लिक करना, और मैंने चैट कर रखी है, तुम अपनी मर्जी से अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का मतलब देख लेते हैं, ठीक है। 5BC प्रॉब्लम हिंदी में भी लिख सकते हो, 5BC प्रॉब्लम इंग्लिश में भी लिख सकते हो, और उनसे पूछ सकते हो और ये रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद तुम अगर ये चीज़ करोगे, देखो हो गया ना, और इसके बाद का टिप्स बहुत ज़बरदस्त है, तो देखने के लिए मतलब देखो टिप्स नंबर 4 को ध्यान से समझो, ठीक है। सबसे मेन हमारा क्या रहता है, VPN, VPN के बिना हमारा कुछ रहता ही नहीं है, ठीक है, तो VPN होना जरूरी है। तो यार VPN तुम ऐसा ट्राई करो जिसमें कि भाई जिससे तुम ट्राई करते रहना, ठीक है, अलग अलग VPN, जैसे कि मैं क्विक VPN यूज़ करता हूँ, तो मेरी चॉइस है वो, और उससे हो जाता है 5BC कलेक्ट मेरा, तो शायद तुम्हारे भी यही प्रॉब्लम आ रहा हो सकता है, ठीक है। टिप्स नंबर 5 और लास्ट टिप्स, ठीक है,
सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके देखना है कि 5 बीजी कलेक्ट होती है या नहीं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ सब्सक्राइब तो कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। और हाँ, लास्ट में क्या करना है, किसी रिलेटेड मतलब किसी से भी भाई फ़ोन पकड़ के एक बार अपना अकाउंट लॉगिन करना है, बीसी कलेक्ट करना है। मुझे पता है दिक्कत होगी, जैसे दोस्तों तो भाई कहेंगे कि यार दिन रात मैं तेरी बीसी कलेक्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन हाँ चुपके से मम्मी या फिर किसी भाई जो भी होगा उनके फ़ोन में ये चीज़ कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, और हाँ ये फालतू में बनाई हुई वीडियो नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो सब्सक्राइब लाइक सब कुछ करके जाना। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स गो लंडो।